तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओचेन फिलहाल इनका कल्टीवेशन काफी तेजी से अब ऊपर जा रहा था और इनके टीचर का भी नाम अब यहाँ पे रिवील हो चुका था पिछले एपिसोड में, जो कि ली शा और याओ वानगुवी दोनों को पता चल गया था कि हो ना हो ये पक्का लेजेंडरी अल्केमिस्ट के अब्बा याओ कांग ही होंगे। अब आगे इधर सीन शिफ्ट होता है और एक दो दिन बीत चुके थे। याओचेन फिलहाल इसी गुफा के अंदर थे जहाँ पर याओ कांग इन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे और ये भी काफी प्रभावित थे कि तुम्हारी तरक्की अच्छी चल रही है। अब ये लोग प्रैक्टिस कर ही रहे थे तभी यहाँ पर थोड़ी हलचल होती है और कुछ लोग आकर याओचेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इनके जो टीचर थे याओ कांग, वो एक हाथ देते हैं, मतलब मुर्दे का हाथ कह सकते हो आप, कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कनेक्ट करना हो यानी मुझसे जुड़ना हो तो तुम इसी के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर पाओगे। याओचेन कहते ये आप क्या कर रहे हो। अब याओ कांग इसे बताते हैं कि बच्चे ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अब जब याओचेन भी ध्यान देते हैं तो इन्हें समझ में आता है कि याओ कांग को यहाँ पर जो भी सोल्जर्स हैं वो देख ही नहीं पा रहे हैं। इधर फाइनली सुबह हो जाता है। याओचेन लुओशु वगैरह को लीशा और याओ वानगुई की टीम ने यहाँ पे पकड़ लिया था। हालांकि याओचेन यहाँ से भाग सकते थे पर अपनी माँ और लुओशु को देखकर यहाँ पे रुक जाते हैं। उनको मालूम था कि ये ट्रैप है पर ये फिर भी वहां पे पहुंच जाते हैं। ये कितने भी टेक्निक्स यूज करते हैं पर लीशा ये सच में काफी पावरफुल था। इसकी माँ भी पूछती है कि कौन सा एविडेंस है मेरे बेटे के खिलाफ और ये लोग जियान पिल को दिखाते हैं। ये जो पिल तुमने बनाया था जिस मर्चेंट के लिए, वो हमारा ही आदमी है और ये सब पीछे से काम लीशा का था। लीशा बेसिकली वो मेथड जानना चाहता था। याओचेन भी सोचते हैं कि यार ये लीशा ये कौन है जो मेरे रिफाइनिंग मेथड्स को ये जानना चाहता है। याओचेन कहते हैं मेरे मेथड ये कैसे प्रूव करेगा कि मैं ट्रेटर हूँ। अब ये सुनकर ये लोग बताते हैं बड़ी बात ये है कि 1000 साल पहले एक बंदे ने हमारे याओ क्लैन को धोखा दिया था, ऐसा याओ वानगुई बताता है, और वो था याओ कांग। और उसी की वजह से याओ कांग को मोनूमेंट के नीचे सील कर दिया गया था क्योंकि उसने जो मेथड यूज किया था वो सही नहीं था और क्योंकि तुम उस जगह पे थे इसलिए अब तुम एक ट्रेटर हो। हालांकि याओ कांग किसी को दिखते नहीं है पर याओ चेन को दिख रहे थे। तो ये पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। याओ कांग बताते हैं कि देखो मैं करता भी नहीं फिर भी ये तुम लोग यानी कि तुम्हें फ्रेम करने ही वाले थे। इधर लीशा याओ चेन से कहता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, जो भी है मुझे बताओ और याओ कांग की बात मत मानना। और याओ वानगुई जिस मौके की तलाश में था अब ये याओ चेन को सजा सुना देता है कि आज से हमेशा के लिए तुम याओ क्लैन से बाहर निकाले जाते हो। इधर सीन शिफ्ट होता है और याओ चेन फिलहाल अपने प्रेजेंट टाइम में आ चुके थे और ये जो फॉक्स डेवन प्रिंसेस थी फिलहाल ये सो रही थी और याओ चेन से कहती है कि मेरे लिए थोड़ा खाने के लिए कुछ लाओ। याओ चेन यहाँ पे क्योंकि रात का टाइम था ये रोने लगते हैं कि मेरा लाइफ इतना हार्ड क्यों है। तभी याओ चेन के सामने याओ कांग फिर से प्रकट हो जाते हैं और इसे देखते ही याओ चेन काफी गुस्सा हो जाते हैं कि याओ कांग ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है और अब मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। याओचेन काफी गुस्से में थे, ये अपनी ऑरा को रिलीज करने लगते हैं पर याओ कांग फिलहाल इसे समझाते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। पर याओचेन इतने गुस्से में थे कि इनका डाउ की ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे और वो पंच क्योंकि याओ कांग एक तरह से इनविजिबल इंसान थे तो वहां से गायब हो जाते हैं और ये पंच फॉक्स डेमन प्रिंसेस जो कि सोई रहती है उसकी तरह पड़ता है। पर याओचेन फिलहाल कैसे भी कंट्रोल करते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर थोड़ा भी लेट होता तो मैं हु जियू को इंजर्ड कर दिया होता। फिलहाल याओ कांग इन्हें समझाते हैं कि याओचेन फिलहाल तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करो नहीं तो तुम्हारा डाउकी का जो कंट्रोल है हमेशा के लिए तुम खो दोगे। याओचेन यहाँ पर रात में ही हु जियू को थैंक्स बोलकर निकल जाते हैं, यानी कि हु जियू अभी भी नींद में थी और फिलहाल ये एक डेजर्ट पर वॉक कर रहे थे। याओ कांग ने इन्हें कुछ बताया था कि वहां पर जाकर तुम्हें कुछ ऐसा मिल सकता है। ये कोई सिटी था जहां पर याओचेन अपने डाउकी को कंट्रोल करना और उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते थे और उस सिटी का नाम था वू लॉन्ग सिटी। इधर जब याओचेन इस डेजर्ट में चल रहे थे तो इन्हें कुछ लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं और ये लोग बताते हैं कि हम जीशा गैंग से हैं और ये काफी खुश थे क्योंकि याओचेन से ये अल्केमिस्ट की खुशबू फील कर सकते थे और इसे पकड़ने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। और याओचेन जानते थे कि अगर यहाँ पर डाउ की अनकंट्रोल चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और पलक झपकते अलग अलग टेक्निक्स यूज करके इन सभी को गिरा देते हैं। याओचेन अब यहाँ से आगे निकल ही रहे थे तभी एक बाल्ट में यहाँ पे प्रकट होता है और कहता है कि अल्केमिस्ट कहाँ जा रहे हो, पीछे तो देखो। और यहाँ पे वो फॉक्स डेमन प्रिंसेस को ये पकड़ के था और उसके गर्दन पर तलवार लगा के रखा था। याओचेन चौंक जाते हैं और कहते हैं हु जियू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बेवकूफ। हु जियू चिल्लाती है कि तुम कहीं दिख नहीं रहे थे इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आ गई। हु जियू गुस्से में थी और ये तुरंत ही इस बाल्ड मैन को दांत काटने लगती है और याओचेन फिलहाल इसे कहते यहाँ से चली जाओ। हु जियू गुस्सा हो जाती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। याओचेन जानते थे कि ऐसे ये किसी को छोड़ के जा नहीं पाएंगे। अब ये जैसे आगे बढ़ते हैं इस रेत में से कुछ रस्सियां निकलती हैं जो कि इन्हें ट्रैप कर देती है। ये बेसिकली एक ट्रैप था जिसमें याओचेन फंस चुके थे। याओचेन गुस्से में यहाँ से फोर्सफुली निकलने की कोशिश करते हैं
और एक भयंकर लेवल का एक्सप्लोजन होता है। हु जियू तो रोने लगते कि शायद याओचेन गए। इस दौरान याओचेन को दिखाया जाता है जो कि बस यही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों कि मैं जिसे भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, पर हर बार मैं ऐसे सिचुएशन में फंस ही जाता हूँ। और ये फाइनली इतने गुस्से में थे कि इतनी खतरनाक ऑरा रिलीज करके इस ट्रैप को तोड़ देते हैं। और इस बार इन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए मैं हु जियू को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और पलक झपकते जो भी लोग थे एक एक करके सभी को ये गिरा देते हैं। बाकी एक दो जो बच्चे भी थे वो चिल्लाने लगते हैं कि मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर है। हु जियू काफी खुश थी कि तुम सच में मेरे सर्वेंट बनने के लायक हो। याओचेन फिलहाल इतने गुस्से में थे कि हु जियू को भी उठा के टांग देते हैं। हु जियू चीखने लगती है कि चेन चेन ये क्या कर रहे हो, पर याओचेन फिलहाल इनकी डाउ की एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी। और बीच में याओ कांग प्रकट होते हैं और याओचेन को समझाने लगते हैं, पर याओचेन यहाँ पे मान ही नहीं रहते। अब बीच में याओ कांग को अपनी ओरा रिलीज करनी पड़ती। बेसिकली याओ कांग अब यहाँ पर याओचेन के ओरा को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और याओचेन से कहते हैं ये आखिरी बार है शायद जब मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ। और ये याओचेन को समझाते हैं कि ज्यादा समय नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हु जियू बेहोश हो जाती है। अब याओ कांग इनका फाइनली एक्चुअल फेस रिवील होता है और ये गायब से होने लगते हैं। और याओचेन से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे भरोसा हो गया था। और याओ कांग इनके चेहरे पर क्रैक्स आने लगते हैं, फिर भी ये बोल के जाते हैं यहाँ पे तो मैं भी इमोशनल हो गए कि तुम इस डाउ की कॉन्टिनेंट के ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट बनोगे। याओचेन यहाँ पे रोने लगते हैं। हु जियू भी अब याओचेन को शांत कराती है कि सब मेरी गलती है, अगर मैं नहीं आती तो ऐसा कुछ होता नहीं। फिलहाल ये लोग सिटी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं कपड़े वगैरह बदल कर। अब ये अपने सफर में आगे निकल जाते हैं और सिटी के बीच में भी हु जियू अचानक से किसी दुकान में घुस जाती थी और वहाँ पे कुछ न कुछ खाने लगती थी। याओचेन फिलहाल इसे डांटता है कि ऐसा मत किया करो, पैसे वगैरह रहते नहीं है, क्योंकि याओचेन ने जो भी बिल्स बना के बेचे थे अब उसका दाम बस खाने में ही निकल जा रहा था। हु जियू भी कहती है तू मेरे स्लेव हो पर बातें काफी बड़ी करते। अब इस सिटी में भी कई सारे अल्केमिस्ट थे और याओचेन को ये भी पता था कि वुलोंग सिटी यानी जहाँ पर ये फिलहाल हैं यहाँ पर भी याओ फैमिली के ब्रांच फैमिली के कुछ लोग रहते हैं। और याओचेन डिसाइड करते हैं कि वुलोंग सिटी ही मेरे सफर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यही से मैं स्ट्रॉन्गर बनना शुरू करूंगा ताकि मेरी फैमिली का नाम कभी खराब ना हो फ्यूचर में। हु जियू भी कहती है ऑब्वियसली तुम सफल होगे। इधर सीन शिफ्ट होता है और उन लोगों को दिखाया जाता है जिनको कुछ समय पहले यानी कुछ दिन पहले याओचेन ने पीटा था। ये अपने मास्टर से बात कर रहे थे कि उस बंदे का नाम याओचेन है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल ये मास्टर आदेश देते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम उस याओचेन को 3 दिन में पकड़ के लाना है। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।